हाँ जाइए 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 जाइए। आज लेफ्ट टर्न छूट गए तो गाड़ी में अंदर में रोक दो साहब। आज की जो जर्नी है वो यहीं से शुरू होने वाली है, इंडिया फर्स्ट तेजस राजधानी में। सो गाइज, मैं हूँ अभी आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर, यानी कि आनंद विहार टर्मिनल पर, जो कि दिल्ली में सिर्फ एक यही स्टेशन है जो टर्मिनल स्टेशन है, जहाँ से ट्रेन आगे नहीं जाती है। और यहाँ से आज मेरी एक जर्नी स्टार्ट हो रही है जो कि बहुत ही स्पेशल है। वो होने वाली है अगरतला तेजस एक्सप्रेस में, जिसे अगरतला राजधानी भी कहते हैं। अभी उसे रिसेंटली तेजस के कोचेस मिले हैं जो कि स्लीपर कोचेस हैं। काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगी ये जर्नी, तो आप बने रहें आप इस वीडियो में, ताकि मैं आपको उस ट्रेन के बारे में और उस ट्रेन की डिटेल पूरी दे सकूं और उस ट्रेन को पूरा आपको दिखा सकूं कि उसमें क्या खास है, वो अदर राजधानी से कैसे अलग होगी, क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाती हैं, वो भी मैं आपको उस जर्नी में आज के दिखाऊँगा। और इस आनंद विहार रेलवे स्टेशन की जितनी तारीफ़ की जाए उतना ही कम है, क्योंकि मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। सो मैं तो काफ़ी ज़्यादा जल्दी आ गया हूँ यहाँ पर, और ट्रेन नंबर तो मैंने आपको बताया नहीं, मैं बता दूँ, जो ये हमारी अगरतला राजधानी का जो ट्रेन नंबर है वो है 002502, जो कि आनंद विहार से अगरतला के बीच में चलती है, और जब ये उधर से वापस आती है तो इसका ट्रेन नंबर होता है 02501। और हमारी अगरतला राजधानी जो है वो निकलेगी 7:50 पर। सो अभी तो मैं आनंद विहार स्टेशन पे आया हूँ, जहाँ पे आपको मैं हाई स्पीड क्रॉसिंग दिखाने वाला हूँ। सो अभी आप हाई स्पीड क्रॉसिंग एंजॉय करो। तो ये देखो, हमारी तेजस एक्सप्रेस यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे लग चुकी है, और इसमें लगा हुआ है वेब 7 गाज़ियाबाद शेड का। सो गाइस, अभी मैं हूँ इस फर्स्ट एसी में, और ये खूब का व्यू है, देख लो। इसमें आपको ये सारा कुछ पहले वाली राजधानी जैसा ही देखने को मिलेगा।
कुछ खास नहीं है, बस ये कर्टेंस वगैरह इसमें प्रोवाइड किए गए हैं, बाकी थोड़ी सीटें वगैरह काफ़ी अच्छी दी हुई हैं इसमें। और यहाँ पे सेम और बाकी जो केबिन है वो फुल हैं, इसलिए मैं आपको उनका व्यू नहीं दिखा सकता, ऑलरेडी फैमिली बैठी हुई है वहाँ पे। और यहाँ पर अपर बर्थ के पैसेंजर के लिए ये स्टेयर्स दी गई हैं ताकि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये सामने अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे रूम फ्रेशनर भी लगा हुआ है, और फर्स्ट एसी में आपको एक कॉल अटेंडिंग बेल भी मिलती है। और ये हमारे फर्स्ट एसी का वॉशरूम है, देख लो यहाँ पे हैंड वॉश लिखा हुआ, यानी कि लिक्विड शॉप, टैप, टिश्यूज। अगर आप बात करें नॉर्मल राजधानी से तो बिल्कुल सेम टू सेम ही है, कोई खास फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा इसमें। बस ऐसा कह सकते हैं इस कोच को रीपेंट करके दोबारा, मतलब ऑटोमेटिक डोर के साथ यहाँ पे ला के खड़ा कर दिया गया है, और कुछ इसमें खास नहीं है। आगे मैं आपको सेकंड एसी और थर्ड एसी का भी वॉशरूम वगैरह दिखाता हूँ, और उनके इंटीरियर को भी शो करता हूँ कैसा है उसका इंटीरियर। फ़िलहाल तो मुझे कुछ खास इसमें नज़र नहीं आया, बस इसकी सीटें काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, ये चीज़ है। और ये गाइस है पैनेट्री कार, उधर मत ओके, फ्रंट के सामने दे रही है जो भी लेना है सामने सामने दे रही है। सर 8 है 9 है 8। और वैसे तो अभी किसी भी राजधानी में आपको फूड नहीं प्रोवाइड किया जाता, सो यहाँ पे भी आपको पैक फूड मिल जाएगा। मेरे साथ यहाँ पर IRCTC के मैनेजर हैं मिथिलेश जी। नमस्कार जी, तेजस एक्सप्रेस में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग IRCTC की तरफ से बिल्कुल सेफ्टी के साथ हाइजेनिक फूड आप लोगों को सप्लाई कर रहे हैं, इसमें कि पैकेट बंद बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा हल्दीराम का खाना, टाटा का खाना है, और यहाँ पे बिल्कुल सेफ्टी के साथ किया जाता है। हर एक पैसेंजर को सैनिटाइजर का बॉक्स दिया जाता है, और हमारे सारे वेटर बिल्कुल सेफ्टी गियर के साथ सर्विस करते हैं। तो ये है अभी हमारा चमचमाता थर्ड एसी का कोच, और इसमें ही आज मैं जर्नी करने वाला हूँ सीट 3 में, और सीट नंबर है 7। सो अब चलते हैं अंदर, और काफ़ी ज़्यादा लुक अट्रैक्टिव लग रही है, इतना अच्छा इसे पेंट किया गया है, और ये स्मार्ट कोच है, सो इसीलिए थर्ड एसी में भी आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं इसमें। बस यही चीज़ें बनाती है इस तेजस को कुछ खास। अभी मैं आपको इसका वॉशरूम भी दिखाऊंगा। सेकंड एसी में कुछ खास नहीं था, इसलिए मैंने उसका वॉशरूम और ये सब चीज़ें आपको दिखाई। तो ये थर्ड एसी का इंटीरियर है, बस ये जो चीज़ है ये आपको हम सफ़र जैसी यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है, और हर एक सीट पे आपको एक चार्जिंग सॉकेट और एक रीडिंग लाइट, ये आपको ऊपर भी दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। सेम जैसे वहाँ पे प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे भी आपको रीडिंग लाइट मिल जाएगी, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्मार्ट कोच है, तो आप देख सकते हैं इसमें जो अपर बर्थ वाले पैसेंजर के लिए कितनी अच्छी सहूलियत दी गई है, यहाँ स्टेयर्स देख सकते हैं ताकि वो आराम से ऊपर चढ़ सके, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे वो कोई बच्चा हो, आराम से इससे चढ़ सकता है। ये अभी आप सामने देख सकते हैं ये खड़ी है गोरखपुर हमसफर एक्सप्रेस,
नाउ वी डिपार्टेड फ्रॉम आनंद विहार और जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा वो होगा कानपुर में, और यहाँ से हमारी ट्रेन शार्प 7:50 पे निकल चुकी है। जाइए सब छूट गए तो गाड़ी में अंदर में रोक दो साहब, मैं कहां so, जैसा कि अभी आपने देखा सो आप ऐसी गलती मत करें, अगर आप किसी को छोड़ने आ रहे हैं तो टाइम से पहले ही यानी कि डोर क्लोज होने से पहले ही आप उतर जाएं। तो भाई ये देखो, ये है थर्ड एसी का वॉशरूम, तेजस थर्ड एसी का वॉशरूम। अभी तो ट्रेन स्टार्ट हुई है सो फिलहाल तो आपको साफ ही दिखेगा, और ये लिक्विड सोप यहाँ पे भी दिया हुआ है। शायद टूट गया, और ये बेबी सिटिंग के लिए दिया हुआ है, और यहाँ पे सब मतलब सही है। अच्छा, मतलब ये एक तरह से लग रहा है कि हम सफ़र में ही हम ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसा कुछ अलग नहीं लग रहा है। और यहाँ पे अगर आप स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो इससे पता चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लेकिन एक चीज़ जो लग रही है वो मिरर काफ़ी ज़्यादा छोटा है यहाँ पे। और अभी तक मैंने आपको जितना भी दिखाया है उसमें आप कंपैरिजन करके बताना कि आपको इसमें क्या डिफरेंस लगा। मुझे तो कुछ खास डिफरेंट इसमें कोई दिख नहीं रहा है, बस यही है कि आपको तेजस में स्लीपर कोचेस देखने को मिल रहे हैं। और हाँ, अगर आप बात करेंगे कि लखनऊ और अहमदाबाद तेजस की जो कि चेयर मतलब सीटिंग अरेंजमेंट के साथ चलती है उसमें आपको 200 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड में मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे इसे 160 की मैक्स परमिसिबल स्पीड मिली है। एक छोटी सी पैलर रेस हो रही है यहाँ पे, और हम अप्रोच कर रहे हैं गाजियाबाद। और ये अभी हम स्किप कर रहे हैं गाजियाबाद को, और सुनने में ऐसा है कि आने वाले समय में सारी राजधानी को तेजस राजधानी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा।
अगरतला राजधानी में मैं बोर्ड हूँ। ये चलती है यहाँ आनंद विहार से वेडनेसडे को, और जब ये अगरतला से आती है तो ये जिसका ट्रेन नंबर होता है 02501 वो चलती है मंडे को अगरतला से। अगरतला राजधानी की जो फर्स्ट सर्विस स्टार्ट की गई थी वो की गई थी 28 अक्टूबर 2017, और ये ट्रेन 2423 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करती है 14 आवर 15 मिनट्स में। और इस तेजस एक्सप्रेस में, तेजस एक्सप्रेस कहिए चाहे राजधानी एक्सप्रेस, इसमें टोटल लगे हुए हैं 11 थर्ड एसी के कोचेस, 3 सेकंड एसी के कोचेस और 1 फर्स्ट एसी का कोच। और इसके अलावा इसमें एक मैनेटरी कार भी है, क्योंकि एक राजधानी ट्रेन है, प्रीमियम ट्रेन है, तो इसमें मैनेटरी कार होना बहुत ही ज़रूरी, मतलब लाजमी सी बात है। और इसके अलावा इसमें 2 EOG कार भी है, जनरेटर कार। अब फिलहाल अभी आप यहाँ का एक स्लीप देखिए, शायद ये अलीगढ़ जंक्शन है। जी हाँ, अभी हमने स्किप किया है अलीगढ़ जंक्शन को, और इसका फेयर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, आप जाके चेकआउट कर लेना, क्योंकि इसमें डायनेमिक फेयर लगता है। सो अभी मैं कुछ बता नहीं सकता, मैं पूरी अच्छी तरह चेक करके आपको डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँगा। और एक ज़रूरी बात, अगर आप लोग बाई चांस कोई ऑन बोर्ड है इस ट्रेन में जो कि किसी पैसेंजर को छोड़ने आया हुआ है, तो अगर आप बाई चांस उतर नहीं पा रहे हो और डोर लॉक हो जा रहा है, तो आपको इसको घुमाकर फिर ये डोर को ओपन करना है। ये उस टाइम ओपन तो हो जाएगा, लेकिन अगर आपको कोई RPF वाला रोकता है तो उसकी जिम्मेवारी आपकी होती है। ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए है, इसे किसी मजाक वगैरह के लिए यूज़ ना करें। हथरस। और यहाँ पर आपको एक डिजिटल डिस्प्ले मिल जाएगी जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है टाइम टाइम पर, और कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पर जो कि वर्क कर रहे हैं। और ये हालत देख लो अभी से ही, ये हमारी इस नई तेजस एक्सप्रेस यानी तेजस राजधानी का हाल है। इस हालत को देख के आप लोग इस ट्रेन में ट्रैवल करना चाहेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कंडीशन देखो, पानी कहाँ कहाँ से निकल रहा है। ये अभी आप कंडीशन देखो, अभी गाड़ी को निकले हुए 2 घंटे भी नहीं हुए और आप देख सकते हैं ये क्या हाल है। और यहाँ अब हम स्किप कर रहे हैं टुंडला जंक्शन को। भी पैसेंजर यहाँ दिखाई नहीं दिया। और यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक कैमरा लगा हुआ है और एक कैमरा यहाँ लगा हुआ है, यानी कि 2 कैमरे हर एक गेट की साइड में लगे हुए हैं और अंदर भी कैमरे लगे हुए हैं, यानी कि आपको कोच के बाहर और कोच के अंदर दोनों साइड में आपको कैमरे मिल जाएंगे।
कानपुर बस अब कुछ ही 10 किलोमीटर बाद कानपुर आने वाला है। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं पनकी धाम को, और आपको कैसी जर्नी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा सफ़र वैसे तो, बस थोड़ी बहुत चीज़ें जो होती हैं जो लोग कर देते हैं इस ट्रेन को गंदा, उसकी वजह से ये जर्नी थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये जर्नी कैसी लगी, क्योंकि इस जर्नी को मतलब इस ट्रेन को कैप्चर करने के लिए मैं स्पेशली लुधियाना से आनंद विहार आया था। और बस अच्छी रही जर्नी, और देखते हैं कभी मौका मिला तो आनंद विहार से लेके अगरतला तक के लिए भी कभी जर्नी करेंगे। वैसे मेरा एक पहले प्लान बना था अप्रैल 2020 में, बट वो ड्यू टू कोविड सिचुएशन सारा कैंसिल हो गया। ये ट्रेन इतनी स्पीड से आई है कि 20 मिनट बिफोर हम इस कानपुर सेंट्रल में आ चुके हैं, जबकि ये 10 से 20 मिनट करीब वहाँ गाजियाबाद में लेट पहुँची थी। एक बात, इस ट्रेन में आपको ज़रा सा भी जर्क महसूस नहीं होगा, काफ़ी रिलैक्स फील करेंगे आप, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।